मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, हमारे देश की धरती सफेद सोना उगल रही है। कश्मीर में मिले 59 लाख टन लिथियम भंडार के बाद अफगानिस्तान में कश्मीर से भी बड़े लिथियम के भंडार मिले हैं, जो हमारे देश की तकदीर बदल सकते हैं। कहाँ और कैसे मिले लिथियम के भंडार? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्थान सरकार ने मिलकर नागौर जिले के डेगाना नगर पालिका में कश्मीर से भी बड़े लिथियम के भंडार खोज निकाले हैं। जैसा अधिकारियों का कहना है कि ये भंडार देश की 80% लिथियम की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि लिथियम होता क्या है। लिथियम लोहा चांदी सोना की तरह एक मेटल है और ये दुनिया का सबसे हल्का और मुलायम मेटल है। ये इतना मुलायम है कि ये चाकू से काटा जा सकता है और ये इतना हल्का है कि पानी में तैर जाए। ये दिखने में सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। लिथियम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ लिथियम। लिथियम बैटरीज बनाने में काम आता है, फिर चाहे वो ईवी की बैटरी हो, फोन की, लैपटॉप की, टैबलेट, लिथियम हर प्रकार की बैटरीज बनाने में काम आता है। इसकी अत्यधिक मांग के कारण इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम एक बहुत ही महंगा मेटल है। इसका एक टन का प्राइस लगभग 57 लाख रुपए, यानी 57,000 रुपए किलो। अब बात कर लेते हैं कि सिर्फ लिथियम ही क्यों बैटरीज में इस्तेमाल होता है और ये कैसे खोजा गया। तो उसके लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हुआ यूं कि 70 के दशक में दुनिया में तेल का संकट आया और इसने हमें अल्टरनेट एनर्जी सोर्स खोजने पर मजबूर किया। और 1976 में स्टेनली विटिंगम ने लिथियम आयन बैटरी बनाई। समय समय के साथ लिथियम आयन बैटरी के अपडेट वर्जन आते रहे। 1991 में अकीरा योशिनो की बनाई बैटरी पहली बार सोने के वीडियो रिकॉर्डर में इस्तेमाल कर बाजार में लॉन्च हुई। तब से अब तक लिथियम आयन की बैटरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और अब लिथियम आयन बैटरी पेट्रोल डीजल का विकल्प बन रही है और ईवीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। पर सिर्फ लिथियम ही क्यों? क्योंकि लिथियम एक हल्का मेटल है और सबसे ज्यादा विद्युत रासायनिक क्षमता रखता है। लिथियम की बैटरीज फास्ट चार्ज होती हैं, लंबे समय तक टिकती हैं और इन बैटरीज की हाई पावर डेंसिटी होती है। अब बात कर लेते हैं लिथियम भंडार मिलने के फायदे क्या हैं। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन कंट्री बनने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक 30% कार, 70% कमर्शियल वाहन, 80% दोपहिया तीन पहिया वाहन इलेक्ट्रिक हों। लिथियम भंडार ऐसा करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है क्योंकि ईवी की कीमतों का 40-50% हिस्सा बैटरीज का होता है। यानी अगर मान के चले कोई गाड़ी 15 लाख की है तो 6-7 लाख की उसकी बैटरी होती है। भारत अपने इस्तेमाल का 80% लिथियम चाइना से खरीदता है, पर लिथियम भंडार मिलने से हमारी चाइना पर निर्भरता कम हो सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल को आयात करने वाला देश है, पर लिथियम के मिलने से ईवीज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जिससे हमारा पेट्रोलियम का लाखों करोड़ों का खर्चा बच जाएगा और लिथियम सेक्टर में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। हमें लिथियम तो मिल गया है, पर लिथियम को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम बात कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स की और उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के बारे में। राजस्थान में जो लिथियम भंडार मिले हैं अभी एग्जैक्टली हमें उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में नहीं पता है। लिथियम की माइनिंग और रिफाइनिंग के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि कई बार हमें सॉल्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है लिथियम को अन्य मेटल से अलग करने के लिए। और जो लिथियम की डिस्कवरी हुई है वो राजस्थान के बीचों बीच नागौर जिले में हुई है, जहाँ आसपास कोई भी बड़ा पानी का स्रोत मौजूद नहीं है। तो लिथियम तो मिल रहा है, पर इसके माइनिंग और रिफाइनिंग एक कंसर्न है। कई देश है दुनिया में जो लिथियम को एक्सपोर्ट करते हैं पर वो अभी गरीब है, जैसे चिले, अर्जेंटीना भी कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। लिथियम से इकोनॉमी कोई रिवोल्यूशनाइज नहीं हुई है, सिर्फ चाइना है जिसने लिथियम एक्सपोर्ट से ढंग से कमाई की है क्योंकि वो लिथियम को रिफाइन खुद ही करता है और उसकी बैटरीज बनाकर बेचता है। चाइना से निर्भरता खत्म करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा, हमें बहुत सारी कंपनीज को बुलाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करनी पड़ेगी। पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है क्योंकि हम दुनिया को सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं और ना ही हमारे पास कोई तेल की कुएं हैं, पर हमारे पास है रिफाइनरीज। तो वैसा ही हम कर सकते हैं लिथियम के साथ भी और दुनिया को लिथियम के फाइनल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में बहुत सारी नौकरियां डेवलप होंगी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।